कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। तिल गुड़ के लड्डू मकर संक्रांति में बनाते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक कटोरी तिल, एक कटोरी से थोड़ा कम गुड़, जितना हम तिल लेंगे उससे थोड़ा कम हम गुड़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई हल्का गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे तिल। तिल को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। आँच यहाँ पर हम फूल ही रखेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। अब तिल हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है तब इसे हम निकाल लेंगे। गैस हम बंद कर देंगे। तिल भुनने में 4 मिनट लगे हैं। एक बार फिर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हम 3 चम्मच पानी डालेंगे। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे। गुड़ डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। एक बार हम उंगली से चेक कर लेंगे कि हमारी चाशनी बनी कि नहीं। तो देखिए उंगली से छूने पर लच्छा जैसा तार बनने लगे हैं। तो अब हमारा चाशनी तैयार है। जब ऐसे समझ में न आए तब हम चाशनी को पानी में डालकर देखेंगे। अगर पानी में गुड़ न फैले तो समझ जाए कि चाशनी तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें हम तिल डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथ में हम थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी की सहायता से हम इसे इस तरह से इस तरह से हम गुल गुल लड्डू बनाते जाएंगे। फिर हाथ में हम पानी लगाएंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। इसी तरह हम सभी लड्डू बना लेंगे। अब तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार है। आपको तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।